वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। आज हम लोग हरप्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी की घाटी का उल्लेख करती है। जो मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी का क्षेत्र है वह बहुत ही व्यापक था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई करने से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, तो इस पर खोजकर्ताओं ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि जो यह क्षेत्र है वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आता है। लेकिन बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वलमाली के क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी और यह सभ्यता शहरी प्रकृति से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय समूह था जहाँ पर कुछ चिन्हों के दौरान कुछ भिन्नता भी पाई गई। मोहनजोदाड़ो के अंत के समय में हड़प्पा सभ्यता ने मोहनजोदाड़ो के शहर को पुनर्निर्माण किया और उस समय यह हड़प्पा सभ्यता शहरी जीवन की प्रगति पर आधारित था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण था। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर लोग ग्रामीण इलाके में निवास किया करते थे और वे लोग बहुत ही अच्छे विचारों के और मददगार लोग हुआ करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के शहर थे उनको बहुत ही अच्छे और खूबसूरती से बनाया गया था। सड़क के दोनों किनारों पर एक पंक्तियों में घर बनाए गए थे। घर बनाने के लिए उन्होंने धूप में सूखी हुई ईंटों को प्रयोग में लाया था और कुछ घर गलियों में भी बनाए गए थे। हड़प्पा में अमीर लोग बड़े घर में रहते थे और उनके पास कई कमरे वाले घर हुआ करते थे और छोटे गरीब लोग छोटे घरों में या फिर झोपड़ी में निवास किया करते थे। अनाज रखने का कमरा 46 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा हुआ करता था। हड़प्पा में दुर्ग में 6 कमरे मिले हैं जो कि ईंटों के चबूतरों में 2 पंक्ति में खड़े हैं। मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़े स्नानागार की भी खोज हुई है और यह सिंधु घाटी की सभ्यता में मुख्य सुविधाओं में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जो मकान बने हुए थे उनमें धूप में सुखाई गई ईंटों को प्रयोग में लाया गया था। शहर में मंदिर बनाने के लिए कई सारे ईंटों और मिट्टी का प्रयोग होता था और जल निकासी यानी कि जल को निकालने के लिए उन्होंने जलाशय भी बनवाए थे और उसमें मिट्टी का उपयोग किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही अच्छी थी और एक क्रम में थी। हर घर में नाली की व्यवस्था की गई थी ताकि हर एक घर से पानी को ठीक से निकाला जा सके। घर से पानी की निकासी का स्थान ईंटों से बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वह वहाँ के व्यापार पर निर्भर करती थी। हड़प्पा की प्रगति का मुख्य कारण परिवहन और व्यापार था। हड़प्पा के लोग व्यापार के लिए बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग किया करते थे। आज भी उन नावों को वहाँ पर देखा जा सकता है। हड़प्पा के लोग रुई और ऊन के कपड़े पहनते थे। उस समय आदमी अपनी दाढ़ी रखते थे लेकिन आमतौर पर उनकी मूछें नहीं हुआ करती थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में कोई भी मंदिर और देवता की छवि नहीं थी, लेकिन फिर भी हड़प्पा और सिंधु घाटी के लोग अपने स्थान को लेकर बहुत ही धार्मिक थे। वे माँ की पूजा करते थे और जिसमें शिव पशुपति मुख्य थे। वो लोग पेड़, सांप और कुछ पशुओं की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी में गहने सोने और अन्य धातुओं से बनाए गए थे। गहनों को बनाने के लिए मुलायम धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता एक और तरीके से रहस्यमयी थी, क्योंकि खोजकर्ता भी सिंधु घाटी को नहीं समझ सके। जो शिलालेख मिले हैं उस पर क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता और कौन सी भाषा सिंधु घाटी के लोग बोलने के लिए प्रयोग करते थे खोजकर्ताओं को भी इसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।